शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंदू, ओ आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। ये देख लो पाजी, चाय मुफ्त की पीनी होती है। आवाज ऐसे लगा दे जैसे इन्होंने अपनी जायदाद मेरे नाम करनी है। और चंदू, ओ चंदू, जायदाद तेरे को जायदाद सूट करती, तेरे को दाद खाज खुजली सूट करती तू वो। कहीं भी मैंने तेरे को इसलिए बुलाया, आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुझे कुछ देने वाला हूँ। पैसे कितने तेरे उधार, बोल फटाफट, बोल 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 फटाफट। आप मेरा उधार चुकाना चाहते हैं? मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा। चल फिर रहने दे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप दे देंगे तो फिर विश्वास हो जाएगा। पैसे बोल कितने हैं? यही कोई 450। ये 450-550 मेरे को समझ में नहीं आता। अमीर लोगों को राउंड फिगर ले ले, 450। ये ले 10,000, 1,000 ऊपर से ले। ये 450 का राउंड फिगर 10,000? हाँ। शर्मा जी प्लीज मुझे बताइए, आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? यार तू चाय के पैसे रखना, बाकी फर्नीचर ले लेना। ये टायर अच्छे लगते, हटा इनको। क्या चाय की दुकान चला के तूने बेचनी है? तूने फर्नीचर नया लगा यार तू। नहीं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब क्या है इन सब का? इनका मतलब है 1,000 के 10,000। मतलब क्या है? क्या मतलब है? एक मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त के बारे में कुछ कहना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस आज इसके पास पैसे आ गए हैं, इसलिए ये मेरे पैसे भी लौटा रहा है। नहीं 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 नहीं, फिर बात मैं बताता हूँ क्या है। हाँ जी, यस प्लीज। आईकेएसके? आईकेएसके मतलब इशारों को समझा करो। तो ठीक है फिर, मैं भी इसके पैसे लौटा देता हूँ, तुम भी इशारों को समझते रहना, ठीक है? Okay. समझदार बने रहना। ये डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये आपकी आंख क्यों फड़क रही है? भाई जैसे तुम्हारे थप्पड़ पड़ने वाला तो तुम्हारा कान फड़कता ना, जैसे वैसे ही जब पैसे आने वाले होते तो आंख फड़कती है। मतलब? बड़े मतलब यार, हर बात का तुम्हें मतलब पूछना होता है। मतलब मतलब सुनो, मैं भी तुम्हें सोचता हूँ पैसे लौटा दो। कितना पैसा होता है तुम्हारा? मैं तुम्हें देना है पक्का? पैसे लौटाएंगे आप मेरे? कच्चा पैसे कैसे लौटाते हैं भाई? पक्का लौटाएंगे? कितना पैसा होता है बताओ? यही कोई 450। ये 450-150 मेरे को समझ में नहीं आता। ये ले 10,000 रुपए रख पूरे। देख ले, देख। ये डॉक्टर साहब आपको हो क्या गया है? इसने भी मुझे 10,000 रुपए दे दिए, आप भी 400 के बदले मेरे को 10,000 दे रहे हैं। ये 500 के 1,000 के नोट कहीं लूट के तो नहीं लाए आप? नहीं नहीं, 500-1,000 के नोटों ने हमें लूटा है। मतलब यार हर बात में मतलब मतलब, किसी की बात पे यकीन नहीं है तुमको। 10,000 रुपए ना इसको रखो, ये तुम्हारी दुकान का फर्नीचर चेंज करवा लेना, ये टायर अच्छे नहीं लगते यहाँ पे। फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए। ऐसे कौन इन्फॉर्मेशन देता है भाई? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए, मैं कह रहा था। और आपको तो हाथ लगाना भी पाप है। डॉक्टर साहब उठो। ये मेरा पेन उधर रह गया था। उधर रह गया था, इधर आओ। फर्नीचर के पैसे क्या? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए। दे दे। तो ठीक है, एसी लगवा लो ना। एसी किधर लगवा? ओपन एयर दुकान में एसी लगवा ले। ओपन एयर एसी लगवा लेना। किधर खर्च करने, समझ में नहीं आ रहा इनको यार। बस बस नहीं, मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। ये पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, मेरी दुकान चाहे बंद हो जाए। ये पैसे रख ले, इससे भी बंदी होनी है। मतलब यार तो फिर मतलब 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 फिर मतलब बड़ा मतलब ही है तो यार, इस पैसे को रख ले, रख इसको, रख ये पैसे अपने पास रख, ठीक है? तेरी मेहनत की कमाई है ये समझ ले, तुम मेरी बात खून पसीना किया तूने, रख इसको। मेरे खून पसीने की कमाई, गुस्सा आप क्यों हो रहे हैं? अब हम तेरे पैसे नहीं देते तो तू गुस्सा करता था, अब हम पैसे दे रहे तू ले रहा, हम नहीं गुस्सा करेंगे, हमें गुस्सा। हाँ 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 भाई, हाँ
कर देंगे। मैं ये रख लूं पैसे फिर? सारे पैसे रख ले। रखना पड़ेगा नहीं तो मुक्का मारना तेरे। रख इसको। ठीक है फिर मैं रख लेता हूँ। थैंक यू माय प्लेयर। थैंक यू भाई, पैसे मिल गए। मिस हो गया। नहीं नहीं मैंने बम्पर और लॉटरी के पैसे भी देता हूँ। अच्छा इसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? आज तो मैंने ना सारा माल लुटा देना। कपिल जी, हमारे फिल्म में भी ऐसा ही एक पोस्टर था दुर्गा रानी सिंह का, ये मगर ये कौन है? अरे हाँ ये पोस्टर्स मैंने बाहर भी देखे। ये डॉक्टर साहब हमारे, अच्छा है ये है जो गायब हुए हैं। ये अच्छा है, डॉक्टर साहब तो देवता है, देवता। आप कहाँ लेटे हुए? मैं पकड़ा गया। पकड़े गए आप शरेआम। तो ऐसे कौन ठप्पा करता है भाई? मैं। अरे यार सिद्धू साहब, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, पता है आपको? यार विजय जी के सामने तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल रहा था मैं? तो मेरे बड़े गंदे पे सामने तुम्हें शर्म आती है? पीठ पीछे तो तारीफ क्या करो डॉक्टर साहब की। अच्छा मैं आपकी पीठ पीछे तारीफ करूँ? लोग आपकी पीठ के पीछे मुक्के मार के जाते हैं, तो मैं तारीफ करूँ आपकी? हेलो अर्जुन जी, दिस इज डॉक्टर मिश्र ग्लैड। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी है जब भी तुम शो होस्ट कर रहे हो। आप बैठ के बात करिए यार, आप बैठ के आइए इधर बैठ के बात करिए। आप अर्जुन जी हमारे तो पिछली बार आप आए थे तो काफी बातें हो गई, तो लेट मी टॉक टू द विद्या जी फर्स्ट। विद्या जी आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, KSWS। KSWS का मतलब? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। I'm a big fan of you, you know that? Actually आपके सच में बड़े फैन है, आपको पता है? Thank you, doctor. जब से आपकी पिक्चर देखी ना, डर्टी पिक्चर, तब से नहाए नहीं है ये। अच्छा फिर तुम कहोगे जब से मैंने कहानी देखी है तब से मैं प्रेग्नेंट बन के घूम रहा हूँ। Being a doctor, मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, तो मैं आपका टेस्ट करना चाहूंगा एज ए डॉक्टर। मैं अपनी लेबोरेटरी लेके आता हूँ आपके पास। I want to do your tests, yeah. Oh God. I will do your jaundice test if you don't mind. ये एक sealed bottle है पानी की, इसे आप पीजिए। Have it some words. Please have it. It's normal water. Okay. Yeah. Very प्यासे काफी हैं। We have some more if you want. But that's it. Okay. ये आपने पी लिया, आपको पी लिया है। ऐसे टेस्ट करते हो ना लोगों के, लोग मारते हैं आपको, फिर भी यहाँ पे घास बन के चुपते हैं आप? नहीं, घास बन के चुपने के पीछे एक वजह थी। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना एक एरोबिक क्लास की दुकान खोली हुई है, और वहाँ पे ना मैंने जितने भी लोग थे कस्टमर्स वगैरह, उनको मैंने कह दिया कि मैं विद्या बालन जी को बुलाऊंगा आपको डांस सिखाने के लिए, ठीक है? आज वो आएंगे तो आप प्लीज डांस करके उनको थोड़ा सा सिखा दें, मेरी लाइफ बन जाएगी। मेरी भी लाइफ बन जाएगी डॉक्टर, अगर आप अपना इलाज कर डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, आपकी बात मान लेंगे विद्या जी? अरे आप रो क्यों रहे? ये नहीं ले रहे। लगता है मुझे अब पेशेंट से पिटना पड़ेगा, साड़ी पहन के डांस करना ही पड़ेगा। उफ, मेरी किस्मत। हाँ अब मैं क्या करूँ, मुझे लोग मारने आते ही होंगे। गुलाटी बहुत हो गया तेरा नाटक, आज ही विद्या बालन जी को बुला ले वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। वरना तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगा, मैं कोई ट्रेन हूं? ये लो अपने पैसे और चलो यहां से। गुलाटी अभी ये 500,000 रुपए नहीं चलेंगे, 100-100 रुपए देने पड़ेंगे।
Doctor ji, I had a small request. मैं आपके पांव पड़ता हूँ. Please, उनको सिखा दीजिए. Please, उनको. Please, उनको सिखा दीजिए. आप मेरे पैर छोड़ दीजिए, please. नहीं, पैर नहीं, नहीं, नहीं. Please, 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 please. मैं आपके साथ करती हूँ. आप मुझे दिखा दो. साथ कर रही हैं 50%. ओके. अच्छा सुनिए सुनिए, मुझे भी 100 रुपए के नोट की जरूरत है. ओके ओके. सो हाफ सिखा रहे हैं तो मैं साड़ी पहन लेता हूँ. यू वांट मी टू. हाथ में कंगन गान में वाली दे ताली दे ताली रे, चल छबीले में मत वाली दे ताली दे ताली. इतने संस्कार नहीं है जी मेरे में. Are you ready for the aerobics? Yes, साहब नमस्कार. नमस्कार. आपने सुना ही होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन मैं करने जा रहा हूँ. ओह. इसलिए मैं इन पेशेंट्स का चेकअप वगैरह कर रहा हूँ. ओहो. चलिए नाखून दिखाइए अपने. ये तुम्हारे बाप का बिजनेस है जिसको बढ़ा रहे हो तुम. हालत है सिद्धू साहब, मैंने इस हॉस्पिटल में दो दो नर्सें रखी हुई हैं, किसी काम की नहीं. I have a tough life, you see. Oh. I am not a doctor, I'm an institution. Oh. But my life is very tough. मैं अपने नर्स को बुलाता हूँ. लॉटरी. ए लॉटरी. डॉक्टर साहब. ओ हेलो डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब हेलो. आपने मुझे कल बुलाया था ना, तो मैं कल मीटिंग में था. तो मैंने कहा आज मिल के आता हूँ फिर. नहीं वो तो ठीक है कपू शर्मा, मैं तुम्हें कपू कपू बुलाता हूँ, कभी आते नहीं. लॉटरी कहता हूँ तुम एक सेकंड में आ जाते हो. हैं ये कैसे भाई. अपनी गाड़ी के नाम की अनाउंसमेंट होती है, आदमी पटरी झाग ही लेता है. लॉटरी. आपने मुझे बुलाया. नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे नाम का जयकारा लगा रहा था. मैंने थोड़ी बुलाया था. डैम शिराज की डैम. मैंने तेरे को बुलाया इधर. ये देखो ये कौन है. ये तो हमारा पेशेंट है. वेरी गुड. ये तो मेरे को नई चीज बताई. हमारा पेशेंट है. अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ये इतने मैले क्यों है. कूड़ा फेंक गया हो जैसे लग रहा, जैसे इनके ऊपर कोई. तो आपके मुंह के हिसाब से आएंगे ना पेशेंट भी. इतना गंदा हॉस्पिटल आपको पता है. सुअर भी जाते हैं ना नाक पर माल रख के लेके जाते हैं, इतने गंदे. Excuse me. तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बेइज्जती सुन रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती. जाओ एक दूसरे की डस्टिंग शुरू करो अंदर जाके. Go inside. डॉक्टर साहब हमारा जो पेशेंट है हमेशा ऐसे गंदे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है. हमेशा नहीं, इम्पोर्टेंट है आज. यू से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सिद्धू साहब, क्योंकि आज मेरे डॉक्टरी की सालगिरह है. मुझे डॉक्टर बने हुए 21 साल हो गए हैं. झूठ बोले डॉक्टर साहब, आपको पागल खाने से छूटे हुए 21 साल हुए आपको. नहीं नहीं वो तो 21 साल एक दिन हो गया यार. डॉक्टरी मैंने अगले दिन शुरू की थी. ओ लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आप पागल खाने में थे. कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ. एक्चुअली जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरे वाइफ भाग गए थे पता है, और मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका. ओह हाउ स्वीट. आप इतना प्यार करते थे. प्यार नहीं करता था. शादी हुई मैं खुशी के मारे ना हंसने लग गया. 104 घंटे तक हंसता रहा.
लोग कहते कहीं मैं पागल हो गया। कोई सदमा लगा पाजी, ये खानदानी पागल है। इसके पिताजी इतने बड़े पागल थे, ऐसा बेटा पैदा कर दिया। ऐसे बच्चे पैदा करता कोई? नहीं करता। मेरे पिताजी करते हैं। इसके पिताजी इतना हंसे बाद में इनके पिताजी को जेल हुई पता। वो कहते हैं अगर ये आदमी बाहर रहा तो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता रहेगा। वेरी गुड। मेरे पिताजी की सारी बातें पता, सारे खानदान का लेखा जोखा है ना इनके पास हमारे। अच्छा, मेरे पिताजी कब पैदा हुए थे? जब ये पैदा नहीं हुए तो उसका भी पता है। देखो वेरी नाइस। पता है मेरे को मेरे दादाजी क्या करते थे भाई? दादाजी आपके आपकी दादी को तंग करते थे। हेलो, इंटरव्यू, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ना इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों का इंक्रीमेंट किया है, पता तुमको? अरे इंक्रीमेंट नहीं, ट्रीटमेंट होते है। मैंने तुम्हारी हिंदी में कभी टोका? मेरी इंग्लिश में टांगा डाल रही हो तुम। देखो कपिल, तुमने आज बड़ा सूट वगैरह पहना हुआ है, मेरी पार्टी का फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ तुम एंकरिंग कर लो। मुझे क्या मिलेगा? मैं ये जो मलाई कोफ्ता है ना, जितना मर्जी खाना दूसरे की प्लेट से, कोई नहीं रोकेगा तुम। मैं खाता ही नहीं आजकल मलाई कोफ्ता, मेरी फिल्म आ रही है, मैं वेट कम कर रहा हूँ। ये बाजी, ये मेरे को पनीर खिलाएंगे। परसों एक मेहमान आया, उसकी चप्पल नहीं मिल रही, कहते मेरी चप्पल कहाँ है? कहते काट के तुम्हें खिलाया तो है मटर पनीर, ये चप्पल काट के पनीर खिला देते ऐसे घटिया लोग। सिद्धू साहब, दो सीटियां लगवा दो ज्यादा ना, चप्पल पनीर से भी सॉफ्ट हो जाती है। मैं बहुत इंजॉय सेम लगता है जैसे पनीर खा रहे हो। ओहो, आप कर लो ना प्लीज, तो ना छोटा सा काम। मैं कह रहा, तुम कह रही थी मैं कर लेता। हेलो, तुमको मैंने नर्स रखा हुआ है ना, है ना, तो इधर रहो तुम जरा सा। तुम अपने, मुझे तो कुछ नहीं रखा हुआ ना, मैं तो उधर जा सकता हूँ। नहीं, तुमको भी रखा है ना, तुम होस्टिंग कर रहे हो, तुम अपनी होस्टिंग की तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। सिद्धू साहब, आज मैंने ऐसा परिवर्तन किया है ना, आप देख लेना, आपकी आँख खुली की खुली रह जाएगी। उनकी आंखें तो अभी भी खुली हैं। अच्छा, जो बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं वो वेस्ट कर दे, हम यूज ना कर रहे हैं उनको हर चीज में। ये क्या लगा आपने बालों में? परिवर्तन है ना, तो थोड़ा स्टाइल चल रहा है मेरा। थैंक यू डॉक्टर साहब। भाई मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, ये जो बोर्ड गया ना तो कपिल शर्मा शो का ऊपर कितना अच्छा लग रहा था। वाह 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 वाह। मेरा क्या ऊपर गया भाई? ये जो आपने ऊपर जूते वाला मुंह लगाया हुआ ना अपना, उसको देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आया। वेरी टू ये पुटली में क्या डॉक्टर साहब? ओ ये ना गहने हैं सोने के, मेरी बेटी ने दिवाली पे पहने थे, अब मैं उनको वापस बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा हूँ। तुमको क्या पता भी सोना क्या होता है? ये ना पीली पीली एक चीज होती है जो चमकती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता वैसे सोने का, हमें पता ही नहीं, हमारे सारे डायमंड की चीजें हैं, वाइट वाइट। कब तक हम यूं ही आपस में लड़ते मरते रहेंगे? सुनो, मेरे पास ना एक स्कीम है। तुमने नेट बैंकिंग के बारे में सुना? हाँ। वो नहीं है। ये है सुरंग बैंकिंग, बहुत स्कोप है। सुरंग निकाल के बैंक लूटना। पुलिस ने पकड़ लिया ना, मार मार के आपकी सुरंग लाल कर देनी उन्होंने। सुनो, पड़ोसी को पड़ोसी के काम आना चाहिए, ये बात तुम समझ लो। ये तो है डॉक्टर साहब, छोटा सा काम था आपसे। ये छोटे से काम में बड़ा सा मौका मारने की क्या जरूरत है? थोड़े पैसे उधार चाहिए मेरे को। हेलो पापा। हेलो पापा, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ बेटी, एक मिनट। मैं ऊपर। हाँ बेटी, आवाज नहीं आ रही। हेलो पैसे। बेटी मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही, मैं ऊपर रह के तेरे से बात करता हूँ। हाय गप्पू, तुम्हें मदद चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस शो में लड़की बनके पैसे क्यों नहीं कमाती? क्यों भी? पापा, मैं आई। अरे पापा मैं आई। बदतमीज, एक तो वैसे कहीं से पैसे नहीं मिल रहे, ऊपर से कमीने पड़ोसी मेरे। 20, 30, 40 ठीक है। देखा भाजी, इसको कहते हैं किस्मत, पैसे की जरूरत थी और दोस्त आ गया। वेरी गुड। ये हो गया यार, 5,000 का नुकसान हो गया मेरा।
कहाँ इतने सारे तो पैसे तेरे हाथ में, काहे का नुकसान हो गया? नहीं नहीं ये तो मैंने किसी को देने हैं ना। तो 5,000 कम दे देना मेरे को, दे दो 5,000। नहीं 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 यार, तू मेरा बचपन का दोस्त नहीं? ना ना ना, मैं तो पैदा भी वहाँ हुआ था ना जहाँ सवाल नहीं पैदा होता। यार चंदू छोड़ दे पुरानी बातें यार। नहीं नहीं नहीं, मेरा दोस्त है, दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा। मेरा मुंह तो भिगोने जैसा है ना। नहीं 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 नहीं, तूने पैसे नहीं देने? बिल्कुल नहीं। तेरा मुंह भगोने जैसा नहीं, तेरा मुंह डायपर जैसा है, तेरा मुंह घुसी हुई चप्पल जैसा है। थूकना भी नहीं मेरे को तेरे मुंह पे। आ जाते हैं पाजी पैसे मांगने के लिए। ऐसे पैसे ओए आज हेलो मिल गए। ओह गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह दांतों को वेस्ट कर रहे हैं, दांत तो आपके साफ होने नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो इसको तिखी कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे इंजेक्शन वाली जगह पे चुप हो सकूँ मैं इसको। सुन सुन। हाँ जी। एक चाय पिलाना मेरे को। पहले पैसे। पहले जूते। पहले पैसे। पहले जूते दो। पैसे। तंबाकू, आज तक मैंने तुमसे जब भी कुछ मांगा कुछ दिया नहीं तुमने, और अब तुमसे जूते मांगे तो तुम्हारे भाग खुल गए। ओए बेसुरे डॉक्टर, मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ चाय के। अच्छा हाँ। एक बार हाथ दिखा यार, तुम्हारे हाथ में तो बहुत पैसा है। ओहो अच्छी। हाँ कितना पैसा है? लिखा तो हुआ है साहब, सारा सिद्धू साहब 350 रुपए, कपो 400 रुपए, रमेश 500 रुपए, सारा तो लिखा हुआ तुमने। ओ डॉक्टर साहब, ये तो वो हिसाब लिखा है जो मैंने लोगों से लेने हैं पैसे। नहीं 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 भाई, ओहो राहु तुम्हारा ना सातवीं कुर्सी पे बैठा हुआ है। ओ राहु कुर्सी पर नहीं बैठता, राहु घर पे बैठता है। अपनी औकात के हिसाब से बात कर, घर कहाँ है तेरे पास है? तो बात तो करना क्या है ये बताइए। करना तो फिर भाई बहुत मुश्किल है। देखो राहु इधर बैठा हुआ है, घर ना होने की वजह से अपसेट है, दूसरा हाथ दिखाओ। इधर बैठा है केतु, इधर बैठा है राहु। राहु को केतु के घर लाना पड़ेगा, इसके लिए फ्लाइट लगेगी, खर्चा आएगा 50,000 रुपया। नहीं पचास हजार रुपये बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब। नहीं मैंने तो फ्लाइट में बिजनेस का बताया था, इकोनॉमी में तो 25,000 ही पड़ेगा ना, इकोनॉमी से मंगा लेते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब 25,000 भी नहीं, ये ज्यादा है भाई। बस 10,000 है। नहीं ये भी 5,000 रुपये ऑटो, ये भी ज्यादा है भाई। वॉकिंग 1,000 रुपया निकाल यार मामा तू। ठीक है चला कर, ये मुझे मंजूर है 1,000 रुपये ना। 3-4 ये लो। ठीक है अबे ना जल्दी से यहाँ पे साइन करो, जल्दी जल्दी साइन करो यहाँ पे। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि मैं चंदू जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, किसी दबाव में नहीं कर रहा हूँ। दबाव तो मुझ पे कोई डाल नहीं सकता। हटो पे ये लो एक। इसमें पता है क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इसका लिखा हुआ है कि मैं डॉक्टर साहब के सारे चाय के पैसे माफ करता हूँ। आपने मेरे साथ धोखा किया, देखना आपके साथ ऊपर वाला बुरा करेगा। जा रहा हूं मैं। जा जा कबूतर। देखो भाई इधर आगे पैसे, इधर आगे गहने, अब मैं इन दोनों को जाके ना घर पे रखता हूँ, शाम को बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा। मैं हूँ बाबा। बाबा ब्लैक शिप वाला बाबा नहीं, बाबा कालीचरण। मैंने सबकी मुरादें पूरी की हैं, रजा की मुराद भी मैंने पूरी की, उसके बाद वो रजा मुराद हुआ। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षा दे बे। ओ जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो, पहले मेरा मूड बड़ा खराब है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हारा मुंह भी खराब है, दोनों मैच हो जाएंगे। भिक्षाम दे। ओ बाबा आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बता रहा हूँ आपको। नानी ने तुम्हारे 6,000 रुपए देने, सिद्धू जी ने 1,200, रमेश कुमार ने 1,300, टीचर ने 1,400, और हम कुछ जानते नहीं। बाबा जी आपको ये सब कैसे पता? तू गुटली खा, आम गिनने से मतलब मत रख। बाबा जी आपने कहावत गलत बोल दी है, सही कहावत ये है कि तुम आम खाओ गुटली की तरफ क्यों देखते हो? बेटे अपनी औकात के हिसाब से बात करो, तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है वो खाओ और दबा जाओ यहाँ से। बाबा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ। ओहो मर्द भी उम्मीद से आने लगे, ओहो तुम गलत जगह पे आए हो, चलो हॉस्पिटल जाओ, जाओ जाओ जाओ। ओहो बाबा जी
आप बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 30 साल। तो 30 साल और रुक जा, तू 60 का हो जाएगा। बाबा मेरी बात सुनो, तुम मुझे कोई ढोंगी बाबा लग रहे हो। मूर्ख, हम ढोंगी बाबा नहीं, हम बहुत पहुंचे हुए हैं। कल तुम इधर थे, हम तुम्हारे घर पहुंचे हुए थे। अच्छा, बाबा जी। ये हाथ देखो, खाली है? खाली है। चाय पिलाओ फिर। हाँ चाय पिलाओ। देखा, बाबा ने चाय पी, सारी केतली खाली। मूर्ख, हमें ढोंगी बता रहा है? ये देख क्या है। ये हाथ है, वो भी खाली। आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। बाबा जी अभी भी तो खाली है। झोपड़ी के केतली देखो। बाबा जी ये चमत्कार कैसे हो गया? बाबा जी ये चमत्कार, अभी इस चाय को जाके बेचो, धंधे में तरक्की होगी। चलो दफा हो जाओ। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। हाँ हाँ, बाबा जी की जय हो। वाह बालिके, बहुत अच्छे गहने पहने हैं तुमने, अति सुंदर। आपसे मतलब? मतलब मतलब मत करो मतलब ही औरत। अभी जाके हम डॉक्टर को बता देंगे तुम उसकी बेटी के गहने पहन के जा रही हो। आपको कैसे पता, आप कौन हो? हमें तो ये भी पता है तुम आईपीएल में एंकरिंग करती हो। आईपीएल भी देखते हो? हम तुम्हें देखते हैं मूर्ख, आईपीएल हम क्यों देखेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैं ये पार्टी जा रही हूँ, इसलिए मैंने पहन लिया। मैं वापस दे दूंगी। पता नहीं ना मेरे पास ऐसे वाली ज्वेलरी कब आएगा। मेरे हाथ देख लो। ओहो, लड़कियों को भी हाथ ही देखने होते तो हम बाबा बनते। मतलब? मतलब मतलब बहुत करती मतलब भी औरत, तुम्हारा हाथ बहुत खुश्क है। ले लो, हम तुम्हें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। ये लो, इधर लो, फटाफट लाओ, फटाफट। चलो 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 चलो, शाबाश। मल्लो 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 मल्लो, फटाफट। ये बहुत ज्यादा है यार, मैं वॉश कर रही हूं। खबरदार तेल वेस्ट किया। इधर आओ, इधर हमारे कंधे में बड़ा दर्द, सुबह से आशीर्वाद दे दे के हाथ थक गए। इधर थोड़ा सा गिव मी मसाज। कम कम कम। एक्सक्यूज मी। व्हाट? आई सेड एक्सक्यूज मी। मी टू, व्हाटएवर, फॉरएवर, आई विल बी योर फॉरएवर। आपको इंग्लिश भी आती है? मुझे तो फ्रेंच भी आती है, लेकिन फ्रेंच में दो ही चीजें आती हैं, फ्रेंच दाढ़ी और फ्रेंच टोस्ट। मुझे लगा कि आप किस बोलेगा। ओ, मुझे यही पता करना तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। किस? ओ। ये तो आपका हाँ क्यों ऐसा उठाकर? ये ऐसे परमानेंट रहता है, जैसे लड़कियों को ऐसे अगर तो पटकी तो हाय है, नहीं तो यही से भाई। तो आपको हमारी हाय पसंद आई? सुनो, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो मैं भी किसी और ही हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे मामा का बेटा हूँ। मैं भी, मुझे भी पराया समझो। बाबा सुनो ना, मेरा सपना भी है ना। क्या है? एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद चढ़ाना पड़ेगा। इधर लाओ हाथ। एक घंटे तक आशीर्वाद चढ़ जाएगा। ये कैसे चढ़ सकते हैं? ये चढ़ सकते हैं, क्रेडिट चढ़ सकते हैं, ग्लूकोज चढ़ सकता है, तो आशीर्वाद क्यों नहीं चढ़ सकता है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से भारत तरक्की नहीं कर रहा। भारत बीच में कहां से आया? वाह, मुगल भारत आ गए, अंग्रेज भारत आ गए, ओबामा भारत आ गया, सब भारत आए, भारत कहीं ना जाए। लेकिन 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 कुछ नहीं, भारत माता की जय। अरे पापा क्या हुआ? तुम पर आपत्ति आने वाली है, सारे गहने उतार के हमारे थैले में डाल दो। सच में आपत्ति आने वाली है? ओ, 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 हुर, हुर, ये भी? ये सब कुछ? हाँ। लॉटरी, तुम वहां क्या कर रही हो? इसको समझाओ, कितनी देर से खड़ी, कुछ कर ही नहीं। जाओ अंदर जाओ, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। एक तो ये एक डॉक्टर और उसकी सिरिंज जैसी बेटी के साथ मैं परेशान हो गई। लॉटरी अंदर क्यों नहीं जा रही तुम? कहा ना मैंने अंदर जाओ। पापा जी कहां आप इस नक्चड़ी के मुंह लग रहे हैं? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुम्हें? इसने तुम्हें मां की गाली दी। क्या बेटे का गाली दी? मैं तो नक्चड़ी का। सुन बे जिंगूर, पले मैं पढ़ी कॉन्वेंट स्कूल में, लेकिन गालियां ना सुलभ सोचाली वाली देती हूँ मैं। तू भी कान खोल के सुन ले, उठनी स्टूल पे खड़े होके ना तेरे अपर लिप से ऐसा मुक्का मारूंगी तेरी धुंडी टूट जाएगी। धुंडी कैसे होती है? जब सूझेगी ना तब पता चलेगा। तू देख ए, 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 पापा, पापा, पापा। यार हमें भी मारो कोई। कौन है बे? कौन है? कौन है बे? तेरा बाप। पापा है? पापा नहीं आए मूर्ख, हम बाबा हैं।
हम बहुत अंतर्यामी बाबा हैं। अंतर्यामी? हाँ बाबा जी, मेरे बारे में प्लीज कुछ बताइए बाबा। तुम्हारे बारे में मैं गंदी गालियां देता अच्छा लगूंगा। पापा, पापा। हाँ बेटे। पापा गहने नहीं मिल रहे। क्या गहने नहीं मिल रहे? कहाँ गए गहने? जो आया है वो जाएगा, जो जाएगा वो आएगा। मैं जूते खाएगा? कोई कहीं नहीं जाएगा। लॉटरी, लॉटरी। जानू पापा, मुझे इस पर शक है। मुझ पर शक ना करना, वरना मैं सबको बताऊंगी कि आपका बाप मुझे छेड़ते है। आपसे कुछ हिसाब करना, मेरे पैसे वापस दो। मेरा मैथ बड़ा कमजोर है, मैं नहीं करना। चुप रहो। लॉटरी, मेरे गहने कहाँ हैं? मैं पापा को दिए थे। बाबा को दिए थे? बाबा को दिए थे? ये ले अपने दिए, कंजूस कहीं की। अरे मैं ज्वेलरी के बारे में बात कर रही हूँ। ज्वेलरी? भूखी, पहली मुलाकात में कौन कहने देता है? मेरा तो लड़कियों पर से विश्वास उठ गया। और मेरे हाथ ना उठ जाए। शट अप, शट अप। बाबा चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। पहले गहने चाहिए, पापा कुछ बोल दे क्यों नहीं। एक मिनट, एक काम करते हैं ना। मैं ना कप्पू को फोन लगाता हूँ। पिक अप द फोन यू कप्पू। ये क्या फोन काट दिया? फोन काट दिया, मैं दोबारा लगाता हूँ। पापा क्या? फिर फोन काट दिया। बदतमीज है। ये क्या हो रहा है? फोन क्यों काट रहा है? मैं फिर लगाता हूँ। यार जब वो बार बार काट रहा है तो दोबारा दोबारा क्यों कर रहे हो? कप्पो, एक मिनट, एक मिनट, मैं पकड़ा गया हूँ, मैं पकड़ा गया। फिर अरे आप पकड़े गए आप? Obviously वो देखो क्या है। कुछ भी नहीं है।